मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष व शिक्षक रतन सिंह कुशवाहा के रिटायरमेंट के अवसर पर सम्मान व बधाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रारंभ में मां सरस्वती के पूजन अर्चन से हुआ। इसके बाद तिलक चंदन शॉल और श्रीफल गिफ्ट आदि भेंट कर कुशवाहा का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी बीएस रघुवंशी ने कहा कि एक शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, उसके अनुभव और ज्ञान का लाभ पूरे समाज को प्राप्त होता है। जिला अध्यक्ष प्रमोद रघुवंशी ने अपने उद्बोधन में श्री कुशवाहा निष्कलंक और बेदाग कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए उनके सुदीर्घ जीवन स्वस्थ रहने की कामना करते हुए मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस का संरक्षक नियुक्त करने की घोषणा की। कहा कि अब उनका लाभ संगठन और समाज दोनों को मिलेगा। इस मौके पर प्राचार्य एसपी नाना अपने उद्बोधन में श्री कुशवाहा को बधाई पेशकृत की। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस के लक्ष्मीकांत शर्मा, यशवंत शर्मा, रणवीर सिंह कुशवाहा, चंचल कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा, लला नरेंद्र कुशवाहा, सुनील रघुवंशी, संजू रघुवंशी, रामप्रसाद सगर, धर्मेंद्र यादव आदि लोग उपस्थित थे। मंच का संचालन रत्न नामदेव के द्वारा किया गया। इसके पूर्व करोद विद्यालय में आपका शानदार स्वागत सम्मान कर बधाई दी गई। ग्रामवासियों के द्वारा जोरदार माल्यार्पण कर आरती उतार कर शॉल श्रीफल कर भाभीनी बधाई दी गई। तो आपको जो जो अंतरात्मा की अच्छाई बुराई का सामना करना पड़ेगा, उससे उससे आप नहीं कर सकते। यार मेरा आपके साथियों से एक ही अनुरोध है कि आप बधाई को सब प्रतिशत ना सही 10% ईमानदारी से निर्वाह कर। शासन आपका शिकंजा कर रही है, कस रही है, ये मुझे भी भांति भांति से मालूम है। मैंने 40 वर्ष शिकंजे नहीं गुजारे, लेकिन कभी भयभीत नहीं रहा। इसलिए कि मैंने केवल 25% अपने जो है ईमानदारी का दिया। आप अपने जॉब को पार्ट टाइम जॉब ना समझे, फुल टाइम जॉब समझे। साथ में आपके परिवार की परिस्थितियां मजबूतियां कुछ भी हो वो अपने लिए पर्सनल, लेकिन हमें जो तनख्वाह गवर्नमेंट देती है उसमें थोड़ा सा 10% 5% अपन ईमानदारी से निर्वाह करें। एक चीज और सर, अभी कह रहे थे कि जिस स्कूल में शिक्षक